दोस्तों, इस वीडियो में हम वेस्टर्न घाट्स को समझेंगे। देखिए, अगर भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन को देखें तो मेनली इसे 6 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम, नदन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल रीजन और आइलैंड। और इसमें से अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इसके दो मेन डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। और इसी डेक्कन प्लेट्यू को ईस्ट में सराउंड करते हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एक कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन है, जिसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री, केरला में साह्या पर्वतम और तमिलनाडु में नीलगिरी मलाई के नाम से जाना जाता है। ये रेंज गुजरात बॉर्डर के पास ताप्ती रिवर के साउथ से स्टार्ट होते हैं और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला को क्रॉस करते हुए तमिलनाडु में आकर खत्म हो जाते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच ये 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए 140,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। और इस सफर में ये नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट से मिलते हैं। इनकी हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी है। वेस्टर्न घाट्स फर्स्ट हाईलैंड्स हैं जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स को एनकाउंटर करते हैं, जिससे यहाँ हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ से कुछ मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो दोस्तों, ये थी कहानी वेस्टर्न घाट्स की। अगले वीडियो में आप किस सफर पर चलना